don't forget to click on bell icon to get all latest updates. डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने बीते दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की जानकारी दी थी कि वो अपनी मच अवेटेड फिल्म इंशाल्लाह को अनिश्चित समय के लिए बंद करने जा रहे हैं। इस फिल्म को वो अब कब शुरू करेंगे, इस बात की जानकारी वो जल्द ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से देंगे। संजय लीला भंसाली के इस ऐलान के बाद ऐसी कई सारी खबरें मीडिया में आने लगी जिनमें बताया गया कि उनमें और सलमान खान में इंशाल्लाह को लेकर अनबन हो गई है, जिस कारण ये फिल्म बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। हालांकि सलमान खान ने खुद आगे आकर ऐसी सभी खबरों को अफवाह बताया है और कहा है कि उनमें और संजय लीला भंसाली में सब कुछ सामान्य है। सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं एक बात कह सकता हूं कि संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि वो फिल्म को अपने मुताबिक बनाए। इंशाल्लाह की वजह से हमारे बीच कुछ भी बदलने नहीं वाला, हम दोनों दोस्त बने रहेंगे। मुझे पता है कि संजय लीला भंसाली के दिल में मेरे लिए बहुत ही इज्जत है। मैं उनकी माँ और बहन के भी काफी करीब हूँ। मैं संजय को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। हम दोनों भविष्य में जरूर इंशाल्लाह बनाएंगे। सलमान खान ने जिस तरह का बयान दिया है उससे लगता है कि उन्होंने संजय लीला भंसाली ने बहुत ही सोच समझ कर इंशाल्लाह को बंद करने का फैसला लिया है। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही फिल्म को बहुत ही बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सलमान खान और संजय लीला भंसाली जल्द ही फिल्म का दोबारा ऐलान करेंगे और दर्शकों के सामने एक शानदार रोमांटिक कहानी पेश करेंगे। वैसे ऐसा भी कहा जा रहा है कि सलमान खान और आलिया भट्ट स्टारर इंशाल्लाह क्रिएटिव डिफरेंसेस का भी शिकार हो गई है। दिलचस्प बात ये है कि रविवार को फिल्म का एक गाना आलिया भट्ट पर फिल्माया जा चुका था। सोमवार से खुद सलमान भी इससे जुड़ने वाले थे, लेकिन एक रात पहले ही सलमान ने फिल्म के आगे खिसकने की घोषणा कर दी। प्रोडक्शन हाउस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सलमान फिल्म के लव स्टोरी में कुछ बदलाव चाहते थे जो डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को मंजूर नहीं थे। भंसाली अपनी रचनात्मकता को लेकर चलने वाले फिल्म मेकर के तौर पर जाने जाते हैं, वहीं सलमान अपनी फिल्मों को अपने तरीके से डिजाइन करने वाले स्टार के रूप में मशहूर है। इंशाल्लाह के आगे बढ़ने से आलिया भट्ट अपने अन्य प्रोजेक्ट्स को डेट्स दे सकेंगी, जिसमें सबसे पहले राजा मौली की फिल्म RRR का नाम सामने आता है। ब्रह्मास्त्र पूरी करने के बाद आलिया ने पिता महेश भट्ट के साथ सड़क 2 की शूटिंग की। इसके बाद वो राजा मौली की फिल्म की शूटिंग करने वाली थी, लेकिन दो अन्य फिल्मों से स्केड्यूल क्लैश के चलते वो ऐसा नहीं कर पाई। अब जबकि इंशाल्लाह आगे बढ़ गई है तो वो ये डेट्स RRR को दे सकती है। जानकारों के मुताबिक शाहरुख खान के साथ भी भंसाली के क्रिएटिव डिफरेंसेस रहे हैं। यही वजह है कि देवदास के बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। शाहरुख के साथ भंसाली साहिर लुधियानवी की बायोपिक बनाने वाले थे, लेकिन वो अब ठंडे बस्ते में है। हम दिल दे चुके सनम के बाद भंसाली अजय देवगन के साथ दोबारा काम नहीं कर पाए। इसका कारण भी आपसी ईगो बताया जाता है। अहम के टकराव के चलते ब्लैक के बाद भंसाली और अमिताभ बच्चन की जोड़ी दोबारा नहीं बन पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।